एनसीईआरटी पढ़ते हम सब हैं, बट सिर्फ 1% स्टूडेंट्स के 97, 98, 99% तक मार्क्स आते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में हर एक कॉर्नर रिवाइज करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो खत्म होती चले जाना फ्री वेबसाइट पर lakshya.com पे, जहां नोट्स, क्विज, वर्कशीट्स एंड सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। लक्ष्य के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, जैसे हमने केमिस्ट्री खत्म किया, बायोलॉजी खत्म किया, आज खत्म करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल एक एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, ट्रिक्स के साथ देखने वाले हैं। यानी कि सिर्फ एनसीईआरटी, बगल में मैंने हर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर ली है, सारी ट्रिक्स देखेंगे और न्यूमेरिकल्स तक सॉल्व करते रहेंगे कि कहीं भी इस चैप्टर में ना फंसो। बस 30 मिनट्स ध्यान से देना, चाहे 1.5x पे देखना, बट एंड तक प्लीज देखना और एनसीईआरटी ओपन करके बैठ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले चैप्टर में ऊपर कुछ बेसिक चीजें पूछी गई है, इंट्रोड्यूस किया गया है कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, किससे बनी होती है इलेक्ट्रिसिटी, कैसे फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो पहले इन बेसिक चीजों को समझो क्या होता है, इधर आ जाओ। सबसे पहले चीज को हमें समझना है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो बस तीन चीज जानो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, कि एक डेफिनेट मल्टीपल्स में हो सकती है, फिर इट कैंट बी क्रिएटेड, नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये तीन चीज जान के चार्ज के बारे में। अब आ जाओ नीचे, ये देखो यहां पर, ये है इंपॉर्टेंट चीज, ये होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो ये डायग्राम मैंने बना रखा है, ये होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट की एक क्लोज्ड लूप जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। और जब भी मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका मतलब क्या होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अभी चार्जेस क्या होते हैं यहीं पर समझेंगे। देखो यहां पर ये है इस सर्किट का, ये सर्किट बनाया गया है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव टर्मिनल, ये है ना, ये जो बड़ी लाइन है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। किसका, ये एक बैटरी का, एक सेल का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है। अब यहां से ये जो एरोस दिख रहे हैं ना ऐसे, ये और यू नीचे और इधर, ये एरोस क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, याद रखो पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है, बट भैया हम सबने सुन रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट तो बना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, ये देखो ये एक लाइन है, ये एक वायर में दिखा रहा हूँ इससे, ये सिंबल है ना इलेक्ट्रिक सर्किट का, एक सिंबल होता है ये जो लाइन है, ये एक वायर है। तो चलो इसको जूम कर देते हैं, ठीक है, जूम करके देखते हैं कि एक वायर के अंदर क्या चल रहा है। देखो ये इधर है पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इस साइड पे, इधर है निगेटिव टर्मिनल इस साइड पे, तो इलेक्ट्रिक करंट किधर होगा बताओ, जब पॉजिटिव इधर है निगेटिव इधर है तो इलेक्ट्रिक करंट इधर होगा। अभी मैंने बताया था कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, ठीक है। अब इसके अंदर, इस वायर के अंदर होते हैं ये ई जो लिखा हुआ है ना मैंने, इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें सबको पता है कि निगेटिव चार्ज होते हैं, तो निगेटिव चार्ज किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं वायर के अंदर, बट फिर भी हम करंट की डायरेक्शन किधर लेते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव। क्या समझे, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां से, ये देखो निगेटिव से पॉजिटिव। यही चीज तुम्हारी एनसीईआरटी यहां पर लिखती है अपने शब्दों में। देखो सबसे पहले कि जब भी कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पूछा जाए अगर, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत इजी सी चीज है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर नीचे आओ, कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर निगेटिव चार्ज। क्या, कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने अभी देखा। जा जाओ नीचे आ जाओ, अब कुछ फॉर्मूले आएंगे, हम फॉर्मूले से एक एक चीज समझेंगे। तुमने चार्ज वगैरह समझ लिया, अब समझो कि करंट क्या है। बट सबसे पहले जो हमने समझा था ना चार्ज, याद रखना वो चार्ज का सिंबल होता है क्यू, ये जो क्यू है यह है चार्ज का सिंबल। किसका, चार्ज का, और इसका SI यूनिट क्या है, कूलम्ब। और चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है ये देख लो, चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स एन ई, जहां पे एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और Q चार्ज है हम सबको पता है, और E की एक वैल्यू होती है, ठीक है, जो है 1.6 × 10⁻¹⁹, याद रखना ये हो गया चार्ज निकालने का फॉर्मूला। अब जब चार्ज निकाल लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा करंट निकालना। ये I जो है, I ये I होता है सिंबल करंट का, सबको पता है इतना बेसिक। एम्पियर क्या है, इसका SI यूनिट। तो चार्ज निकालते हैं हम, करंट निकालते हैं हम कैसे, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट मतलब क्यू अपॉन टी, क्यू बाई टी। क्यू क्या है, चार्ज, का SI यूनिट है कूलम्ब, और टी क्या है, टाइम, जिसको साई यूनिट है सेकंड, और हम सिर्फ सेकंड में ही टाइम रखेंगे हर बार। बट
ये तो एम्पियर यूनिट है करंट का। दो और यूनिट्स हम यूज करते हैं, एक यूज करते हैं मिली एम्पियर जो होता है 10^-3 ऑफ एम्पियर विच इज 1/1000 एम्पियर, एंड एक होता है माइक्रो एम्पियर विच इज 10^-6 मीन्स 1/1000000 एम्पियर। इधर आ जाओ, इधर ये लिखा है यहां पर भी, ये देखो और ये देखो। चलो नीचे आओ, यहां पर आओ, देखते हैं ये क्या है। ये है एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो मैंने सिंबल दिखाया था, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो देखो डायरेक्शन कैसे जा रही है, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है। चलो आओ, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, तो बताओ क्या चार्ज होगा। चार्ज जैसे कुछ भी पूछे, जो भी पूछा है क्वेश्चन में उसका फॉर्मूला याद करो और लिखो। क्या फॉर्मूला था चार्ज का, Q इज इक्वल टू एन ई, और क्या था फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अब देखो एन ई वाले में तो फिट नहीं बैठेगी वैल्यू जहां पे, बट आई टी वाले में है क्योंकि टी टाइम दिया हुआ है, आई करंट दिया हुआ है, तो बस इसको उल्टा कर दो, क्यू इधर इंटू करा दो, तो क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, वही कराया गया आई इंटू टी। बस 600 सेकंड्स क्यों लिखा गया, मैंने बताया था मिनट या आवर्स में नहीं लिखना है, हर बार टाइम को सेकंड्स में ही लिखना है, तो 300 कूलंब आ जाएगा इसका आंसर। नाउ ये देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलंब ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। क्या पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 कूलंब चार्ज में, बस फॉर्मूले से निकालो यार, क्यू इक्वल्स एन ई, हम सबको ये फॉर्मूला पता है, ओके। एन को अगर हमें निकालना है, एन क्या था, यही तो था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज यही निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एन इक्वल्स क्यू बाई ई रखा, ई की वैल्यू रखी, इसको यहाँ ऊपर भेजोगे इस तरह से 10^19 हो जाएगा, कट करोगे तो कितना आएगा, 6.25 × 10^28 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 1 कूलंब चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे वायर के अंदर मैंने क्या दिखाया था, ये जो इलेक्ट्रॉन है ई ई करके लिखा है, वो ऐसे जाते हैं ना, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो ये जिस स्पीड से जाते हैं उस स्पीड को बोला जाता है ड्रिफ्ट स्पीड, और ये किस ऑर्डर में होती है, बहुत कम 1 mm/s के ऑर्डर में मेजर की जाती है। नाउ अब समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सबको कंफ्यूजन होती है बट तुम्हें नहीं होने वाली। देखो क्या लिखा है, ये यहां पर एक पॉइंट है ए और ये रहा चार्ज, ये चार्ज है क्यू और इधर भी चार्ज है क्यू, तो अगर ए से पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वही हो जाएगा पोटेंशियल, समझ गए, जितना वर्क करना पड़ा वही हो जाएगा पोटेंशियल उस पॉइंट का, उस चार्ज का। कैसे, इधर आओ देखो जल्दी आओ, किसी भी चार्ज को किसी भी पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क होता है, वर्क डन जो करना पड़ा, वो उस चार्ज का पोटेंशियल होता है वो उस पॉइंट पे। अब ए पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, जितना इसको वर्क कराना पड़ा यहां तक लाने में, फिर यहां पर जो पोटेंशियल है और यहां पर जो पोटेंशियल है माइनस कर दो, ठीक है, इन दोनों का पोटेंशियल माइनस कर दो, ए माइनस बी कर दोगे तो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और एक सेल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मैनेज होता है, जो जो लाइन बोल रहा हूं यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठने वाले हैं, बस ध्यान रखना, दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल में भी प्रोड्यूस बाय बैटरी, बैटरी से प्रोड्यूस होता है किसमें, एक सर्किट में। और बैटरी क्या होती है, अरे एक से दो चार ढेर सारी इलेक्ट्रिक सेल्स को मिला दोगे तो एक बैटरी बन गई, उसके अंदर जो केमिकल एक्शन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है जिससे करंट पास हो। चलो अब नीचे आ जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक चीज हम पढ़ेंगे, जैसे हमने चार्ज पढ़ा ऊपर तो उसका फॉर्मूला पढ़ा, एसआई यूनिट पढ़ी, बस वही फॉर्मूला ही है यहाँ पढ़ने का, फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, उसका फॉर्मूला देखोगे, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट, किसके किसके साइंटिस्ट के बाद रखा गया, इटालियन फिजिस्ट के बाद, इसका नाम क्या था, एलेक्सेंड्रो वोल्टा। आ जाओ चलो फॉर्मूला समझ लेते हैं, वी क्या होता है बताओ, वी है वही अपना वोल्टेज, ये क्या है, वोल्टेज का सिंबल है, वी इज वोल्टेज, फिर डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, Q क्या है, चार्ज, जिसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, हमने ऊपर देखा, तो W का यूनिट क्या आ गया, जूल पर कूलम्ब, अरे जूल डिवाइड बाय कूलम्ब, यही तो है ना, जूल डिवाइड बाय कूलम्ब, ठीक है, बट इसकी SI यूनिट क्या रहेगी, वोल्टेज, ठीक है, वोल्ट। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, नीचे 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 नीचे, यहां पर हम लोग आते हैं इस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे, कि जब भी तुमसे पूछा जाए डिफाइन 1 वोल्ट, तो ये पूरा कुछ लिखना होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या होता है, वायर जिसमें करंट दौड़ रहा हो, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इज 1 वोल्ट, वही यहां पे इस तरह से नीचे लिखा है, यही एग्जाम में एग्जैक्टली लिख के आना है। नीचे आ जाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इतना, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ऊपर देखा था ना, W इज इक्वल वी क्यू, बस इसी फॉर्मूले पे रख दो, आ गया 24 जूल। नीचे आ जाओ, अब एक डिवाइस बताओ जो हमने ऊपर देखा, मैंने बोला था यार जहां बोलूंगा वहां से क्वेश्चन आएगा, और आ गया देखो कि क्या मेंटेन करने में मदद करता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक सेल या बैटरी मेंटेन करती है पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ आगे आ जाओ, सर्किट डायग्राम, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट
जो तुम्हें पता ही होगा, इलेक्ट्रिक सेल इस तरह से दिखाते हैं, बैटरी इस तरह से दिखाते हैं, प्लग की यानी स्विच ओपन कब है वो इस तरह से दिखेगा, क्लोज कब है जब उसके अंदर एक डॉट बना दो, फिर वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टेंस, रियोस्टैट, ये सब क्या है आगे देखेंगे, एमीटर इस तरह से और वोल्ट मीटर इस तरह से। ये क्या करता है, करंट मीजर करता है, सीरीज में लगाते हैं। ये क्या करता है, वोल्ट मीजर करता है, वोल्टेज मीटर करता है, और कहां लगाते हैं, पैरेलल में। क्यों, कैसे, क्या, सब समझेंगे, बट पहले समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इधर आ जाओ, इधर 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 यहां पर समझो एक ग्राफ से। मान लो हम किसी भी मेटल का ग्राफ लेते हैं, किसी भी कंडक्टर का ग्राफ लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे रखते हैं क्या, एक्स एक्सिस पे रखते हैं करंट और वाई एक्सिस पे रखते हैं वोल्टेज। अरे एक सेकंड, तुम्हें ग्राफ के बेसिक्स पता है, इधर आ जाओ एक बार समझा देता हूं। देखो, स्लोप इक्वल्स एक्स एक्सिस बाय वाई एक्सिस होता है, मतलब कि अगर तुम्हें स्लोप निकालना है तो एक्स एक्सिस की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे वाई एक्सिस से तो स्लोप आ जाएगा। जैसे यहां पर अगर तुम्हें स्लोप निकालना है, ये जो बीच से लाइन जा रही है, ये होता है स्लोप, ठीक है, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। इसको निकालना है तो क्या करोगे, एक्स एक्सिस वाली वैल्यू को इससे डिवाइजन करोगे वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, ठीक है, सॉरी इसको वाई कर दो, वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस ये करोगे, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब करंट 1 होता है तो यहां पर वोल्टेज 2 आ रहा होता है, जब 2 होता है तो ये 4 आ रहा होता है, 3 होता है तो 6 आ रहा होता है। डिवाइड करोगे तो मालूम पड़ेगा हर बार डिवीजन करने पे वैल्यू आएगी 2, एक कांस्टेंट। तो ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट है, और यही स्लोप होता है रेजिस्टेंस। इधर आ जाओ, देखो यही स्लोप होता है रेजिस्टेंस, R इक्वल्स V बाई I। V क्या था, वाई एक्सिस जो मैंने बताया, और ये x एक्सिस, ठीक है, y बाई एक्सिस, याद रखना ये गलत लिखा हुआ है, y एक्सिस बाई x एक्सिस करेंगे तो स्लोप निकल आएगा। चलो R इक्वल्स V बाई I, बट इतने इस स्टेटमेंट से R इक्वल्स V बाई I से सिर्फ इतना ही नहीं समझना है हमें, काफी चीजें इस चीज से डिकोड हो सकती है। जैसे पहला टर्म होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जो सामने लिखा है ना R इक्वल्स V, तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, क्या समझे, R किस पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वोल्टेज बढ़ेगा अगर तो R यानी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। वहीं जो नीचे लिखा होता है इस तरह से डैश बाय आई, यानी डिनोमिनेटर, ये न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर 1/i करके लिखा होता है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर I बढ़ेगा ना तो ये उल्टा होगा इसके साथ, ये घटेगा, और I अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नीचे आ जाओ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, ये रहा। अब इसमें पूछा गया है कि बताओ क्या होगा, R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, बताओ इसमें R1 बड़ा है या R2 बड़ा है। तो उसके लिए हमें निकालनी होगी स्लोप की वैल्यू, और स्लोप की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने क्या बताया था, कैसे निकलेगी, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, यानी वी बाई आई। और इसी चीज से हमने देखा था क्या, कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। बस इतना ख्याल रखो, कुछ वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वी कहां जाता है बताओ, वी ये, इसका वी देख लो ये है, इधर वी है ना वाई एक्सिस पे, इसका वी देख लो ये है और इसका वी देख लो ये है, तो V किधर ज्यादा है, ऑब्वियसली इधर, तो V अगर इधर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस R1 भी ज्यादा होगा, R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। अभी हमने यही समझा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। चलो आ जाओ, इसके बाद अगर डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज ओम्स लॉ, क्या ओम्स लॉ, बट भैया ये ओम है क्या, अरे जो हमने ये भी पढ़ा ना रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का ही SI यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, ओम, जिसका सिंबल होता है यू, ऐसा करके, ठीक है, इसी का एक लॉ है। लॉ हमें पढ़ना जरूरी है, जर्मन फिजिसिस्ट दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल कंडीशन सेम रहे, जैसे टेम्परेचर उसका सेम रहना चाहिए, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, ठीक है, वही जो हमने ऊपर पढ़ा वही सब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। SI यूनिट ओम है और इसको इस तरह से ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे 1 वोल्ट पूछा था ना, वैसे 1 ओम पूछ सकता है, तो ये डेफिनेशन लिख देना कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और करंट 1 एम्पियर का जा रहा है तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम का होगा, और ये है इसका फॉर्मूला 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। आ जाओ नीचे आ जाओ। चलो अब आओ देखते हैं फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा किसी भी कंडक्टर का। नीचे आओ, बट याद रखो फिजिक्स में कुछ भी इस तरह से टेक्स्ट में पढ़ने से बेटर है कि पहले उसको फॉर्मूले से समझ लो, ठीक है। अगर तुम्हें मैं कोई भी एक वायर दे दूं, ठीक है, मैं एक वायर दे दूं उनको और बता दूं कि ये वायर XYZ मेटल की है, मान लो कॉपर की है, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया क्या है, इसकी लेंथ क्या है, और बोलो इसका रेजिस्टेंस निकालो, निकाल लोगे। आओ देखते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालने का ही फॉर्मूला है। यहाँ पे लेंथ अगर पता हो, एरिया अगर पता हो, और क्या पता होना चाहिए, रो, ये जो पी जैसा सिंबल है इसको हम बोलते हैं रो, जो एक कांस्टेंट है, SI यूनिट है ओम मीटर, क्या है,
ये ओम का सिंबल मीटर, ओम मीटर इज द एसआई यूनिट। अब इतना हमें अगर पता चल जाए उस स्पेसिफिक चीज का रो और लेंथ और एरिया, तो फॉर्मूला लगाएंगे आर इक्वल्स रो इनटू एल बाय ए और निकल आएगा अपना रेजिस्टेंस। अब हमने ऑलरेडी देख लिया था ऊपर कि जब भी कोई चीज सामने लिखी हो, जैसे आर और एल सामने सामने लिखा है फॉर्मूला में इक्वल्स टू के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब इस तरह से लिखा हो कि बाई करके आर इक्वल्स एल बाई ए, तो ये क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब कि जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी उल्टा रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इससे एक चीज ध्यान रखो यहां पर कि जब जब कोई भी क्वेश्चन आए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें, अगर लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देख लो। फिर एरिया में क्या होगा, एरिया को अगर डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां देख लो, बताया मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आएंगे। बताओ लेंथ को अगर 3 times कर देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस 3 times। एरिया को अगर 3 times कर देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना गिरेगा, 3 times कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/3, 3 times कम हो जाएगा, समझ गए, ये देखो 1/3 हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ एरिया में, याद रखना कि एरिया का फॉर्मूला जो लिखा है ना हमने फॉर्मूला की आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा 4πr², ठीक है। और अगर आर यहाँ पे है रेडियस, अगर रेडियस नहीं दिया है डायमीटर दिया है तो फॉर्मूला होगा πd² / 4। चलो इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जो हमने ये देखा रेजिस्टिविटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, जो ये रो है ना इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है। आर है रेजिस्टेंस और ये है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, क्या है अब यहां समझेंगे। तो हमने क्या देखा, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ऑन इट्स लेंथ पहले देखा, फिर ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख लिया, एरिया पे डिपेंड करता है, एंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, नेचर पे, मटेरियल का नेचर कैसा है, कंडक्टर कैसा है, कौन सा मेटल है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है। किस तरह से, वही सब यहाँ पे लिखा है, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एसआई यूनिट मैंने बता दिया, ओम मीटर होती है। अब आओ ये रहा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, यानी रो की वैल्यू, रो ना एक कॉन्स्टेंट था जो मैंने बताया, उसकी अलग अलग वैल्यूज हैं, कंडक्टर की ये सारी वैल्यूज हैं, एलॉयस की ये सारी वैल्यूज हैं और इंसुलेटर की है। इसको याद नहीं करना है, क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये वैल्यू दे करके आएगा, फॉर्मूले में रख करके आराम से इजिली आंसर अपना निकाल सकते हो। जैसे ये रहा अपना एक क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं ये वाला, चलो पढ़ो क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 meter इज इतना, रेजिस्टेंस पहले से दिया होता है एट 20°C, इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज इतना, याद रखना मैंने टर्म फोकस करने को बोला था ना डायमीटर, और डायमीटर जब होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एरिया का क्या बनेगा, πd² / 4, ठीक है समझ गए। चलो इस 0.3 mm व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर, ठीक है, रेजिस्टिविटी पता करनी है, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, वही रो सिंबल, तो अपना फॉर्मूला लिख लो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला लिखो और देखो कौन कौन सी वैल्यू है। बात तो सही है, देखो आर हमारे पास है, एल है, एल है हाँ 1 meter दिया हुआ है और डायमीटर भी है, यानी एरिया भी हम निकाल लेंगे, तो बस इस रो को निकालना है, सारी वैल्यूज पुट करो, रो आ जाएगा अपना, सारी वैल्यूज पुट करी, एरिया जो इंपॉर्टेंट था इस तरह से पुट किया तो आ गया रो की वैल्यू ये, और रेजिस्टिविटी टेबल में देखोगे तो ये मैंगनीज का रेजिस्टिविटी आ रहा है। आ जाओ नीचे, ये क्वेश्चन काफी ईजी है, जो मैंने ऊपर ही तुम्हें बताया था कि क्या होगा जब हम एक अनदर वायर लें ऑफ सेम मटेरियल और लेंथ कर दें एल बाई टू, क्रॉस सेक्शन कर दें 2a, तो बस पहले फर्स्ट वायर का निकाल लो, फिर लेंथ एल बाई टू लिख लो और क्रॉस सेक्शन 2a, यानी डबल कर दिया गया, डबल लिख दो तो आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 1 ohm, ठीक है, यानी 1/4 ऑफ रेजिस्टेंस 1। इसको पॉज करके देख लो, इजी क्वेश्चन है। चलो नीचे आओ, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, हमने देख लिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, और नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि मटेरियल का नेचर कैसा है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, एलॉय है, क्या है। चलो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर एंड इलेक्ट्रिकल आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल, बताओ क्यों, क्यों कॉइल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल टोस्टर के वो एलॉय के बने होते हैं, प्योर मेटल के नहीं, क्योंकि एलॉयस ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर पे, मोर रेजिस्टिविटी होती है उनमें, ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है कोरोजन से, यानी कोरोड नहीं होते जल्दी, और उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, हमें कम कंडक्टिविटी वाली चीज चाहिए जो एलॉय है। ये 3 reason आएंगे एग्जाम में, लिख लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख रहे हो वो भी हम करते जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, कि कई सारे रेजिस्टर्स एक साथ ज्वाइन कर दिया जाए, ज्वाइंट एंड टू एंड, तो क्या टोटल रेजिस्टेंस आएगा, यही देखना है। देखो
हम सबको पता है, अगर तुमने चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है तो भी पता होगा कि रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। बट ये सब क्या है, ये सब बेसिक से समझेंगे। ये डायग्राम में देखो सीरीज में क्या होता है, कैसे पहचानोगे? तो यार सिंपल सा तरीका याद रख लो कि सबसे पहले हमें इतना पता है कि ये चलो एक बैटरी है, ठीक है, करंट इस तरह से जाता है, ये एरो बना है, आई लिखा है, नहीं करंट इस तरह से जा रहा है, ये एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या होता है, हमेशा सीरीज में लगता है। यानी सीरीज क्या है कि जब ये एक सिंगल लाइन में सब कुछ लगाओ, देखो सिंगल लाइन में रेजिस्टेंस वन आ गया, फिर टू आ गया, फिर थ्री, यानी एक लाइन में इस तरह से लगा हो तो ये क्या होता है, इन सीरीज। और देखो जैसे ये चीज़ लगी हुई है, ये अलग से लगी हुई है, ठीक है, अलग से वायर दे करके लगाई गई है, तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल में हो गया। और ये वी लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। ये देख लो पैरेलल, ये एक वायर जा रही थी, जा रही जा रही, सारे रेजिस्टर देखो ऊपर तो एक लाइन में थे, वन टू थ्री, बट यहाँ पे क्या है, अलग अलग से वायर ज्वाइन करा के अलग अलग वन टू थ्री पैरेलल रखा गया है। पैरेलल साफ साफ देख लो, एक दूसरे के पैरेलल है ये, ठीक है। और वोल्ट मीटर यहाँ भी इस तरह से अलग से तुम्हें लगाया दिखा जाएगा, जिसको बोलते हैं पैरेलल में कनेक्शन करना। क्यों किया गया, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में करते हैं और एमीटर ये देखो हमेशा सीरीज में। नाउ आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ जल्दी, इधर आ जाओ। इंपॉर्टेंट बातें कि क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों करते हैं हम, देखो क्या होगा। यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ करंट इन द एमीटर इज द सेम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इट मीन्स दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट। अरे यार क्या मतलब है, चलो आओ एक बार पहले बेसिक ही समझ लो। देखो ये क्या है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं सीरीज की और एक तरफ हम बात कर रहे हैं पैरेलल की, ठीक है। चलो अब दोनों का देख लेते हैं डिफरेंस क्या है, जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सीरीज में क्या है, I सेम है, ठीक है, करंट सेम है, V यानी वोल्ट डिफरेंट रहता है, ठीक है। और इधर क्या है, I डिफरेंट रहता है और ये क्या है, वोल्ट, वोल्टेज जो है वो सेम रहता है अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स। और सीरीज में क्या होता है, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस की हैं, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस की हैं। सीरीज के डिसएडवांटेज क्या है, ये देखो, एक कंपोनेंट अगर फेल हुआ तो पूरी सर्किट, पूरी सीरीज फेल हो जाती है। जैसे हमने देखा था ना, इस तरह से कनेक्ट, वन टू थ्री, अगर मान लो यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, एक दो तीन, यहाँ पर ऐसे करके बल्ब लगा हुआ है और ये ढेर सारे बल्ब लगे हुए मान लो, ठीक है, एक बल्ब भी अगर यहाँ से टूट गया, यहाँ से वायर खराब हो गया, तो करंट पास नहीं हो पाएगा आगे और सारे के सारा पूरा सीरीज हमारी खराब हो जाएगी। तुमने दिवाली के टाइम पे देखा भी होगा कि पापा काफ़ी स्ट्रगल करते हैं कि यार लगाने में जो हमारी लाइट्स होती हैं, झालर होते हैं, क्यों, एक भी खराब होता है तो सारा झालर नहीं जलता है, सब खराब हो जाता है। तो वो होता है तब जब आप सीरीज में कनेक्शन करो, ठीक है। डिसएडवांटेज आएगी लिखने को तो क्या लिखना है, इफ वन कंपोनेंट फेल्स ऑल द सीरीज फेल, देन इम्प्रैक्टिकल होता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिवाइसेस नीड डिफरेंट करंट। क्या होता है, तुमने अगर देखो इधर, ये अगर वायर बता रहा हूं मैं, ये एक बल्ब लगाया है, यहाँ पे एक टोस्टर लगाया हुआ है, यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, इसको अलग करंट चाहिए, इसको अलग करंट चाहिए, इसको अलग, वॉशिंग मशीन को ज़्यादा करंट चाहिए भाई बल्ब से ना, इतना तो प्रैक्टिकल सी बात है। तो ये इम्प्रैक्टिकल है कि सबको एक सीरीज में लगा दो। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि सीरीज में करंट सेम होता है, सबको सेम करंट जाता है, तो वहां पे हम क्या यूज़ करेंगे, पैरेलल, जहां पे करंट डिफरेंट हो। आओ देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में क्या चीज़ है, बट उसके पहले ये छोटा सा फॉर्मूला सीरीज के बारे में देख लो। अगर डिराइव करने को आएगा, ये कौन सी डेरिवेशन है, ये है सीरीज ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। इसमें क्या डिराइव करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा, हम सबको पता है कि वोल्टेज क्या होता है। देखो मैंने ऊपर तुमको बताया कि सीरीज में करंट सेम रहेगा और वोल्टेज डिफर करेगा, लेकिन जब वोल्टेज सबका कैलकुलेट करोगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वोल्टेज जो टोटल होता है वो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री होगा, अगर तीन रजिस्टर लगे हैं। और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, हमने देखा था आई आर, तो आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। अब आई आर और इधर आई कॉमन ले लिया है सब में, अरे यार सिंपल सी मैथ, आई कॉमन ले लिया है और सबको ब्रैकेट में कर दिया, ये देखो आर वन आर टू आर थ्री, क्या हो गया, आई आई कट गया, एकदम लास्ट फॉर्मूला, अपना फाइनल फॉर्मूला आया आर इक्विवेलेंट, यानी फाइनल रेजिस्टेंस निकालने का एक सीरीज के अंदर क्या फॉर्मूला है, सारे रेजिस्टेंस को, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, ठीक है, वन टू थ्री जितने भी हैं, फोर फाइव सिक्स सेवन जितने भी रजिस्टर हैं, सबका रेजिस्टेंस ऐड कर दोगे तो फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। यही देखो, यही सेम डेरिवेशन इधर भी दी गई है। अच्छा ठीक है, समझ गया। नीचे आओ, देखो जैसे अगर हम बात करते हैं इधर 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 यहाँ पे कि पैरेलल कनेक्शन की, एक बार पैरेलल भी समझ लेते हैं फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा पैरेलल का उस तरह का अपना सारा का सारा डेरिवेशन, ये किसका है, पैरेलल का। अब मैंने समझाया था, बिल्कुल जो समझाया है वो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर करंट सेम था, यहाँ पे वोल्टेज सेम है, तो आई डिफर करेगा। अब आई डिफर तो करेगा, बट जैसे वहाँ पे वोल्टेज ऐड हो रहा था, यहाँ पर आई सारा ऐड कर दोगे तो फाइनल आ जाएगा। तो यही किया गया है, पहला स्टेप यही है, आई इक्वल्स आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। फिर आई का फॉर्मूला क्या था, अरे
आई का फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू वी बाई आई था ओम्स लॉ से, तो आई इधर करोगे तो आर इधर, तो आई का फॉर्मूला आ जाएगा वी बाई आर, ठीक है, तो वी बाई आर इक्वल्स वी बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, वी वी कॉमन जो कट गया, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स कट गया और आ गया अपना फाइनल फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, आर पैरेलल में निकालने का, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई थ्री, और जितने भी रजिस्टर हैं, यहाँ तीन रजिस्टर का केस लिया गया, जितने भी हैं प्लस वन बाई आर फोर प्लस वन बाई आर फाइव करते चले जाओगे, निकल आएगा तुम्हारा फाइनल जो भी अपना फाइनल रेजिस्टेंस है, ये देखो समझ गए, ये अपना फाइनल फॉर्मूला है। चलो आओ नीचे आओ, नीचे आओ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, बट उसके पहले देख लो ये जो हमने ऊपर पढ़ा कि वो इम्प्रैक्टिकल होगा सबको एक में कनेक्ट करना, ठीक है। चलो यहां पर तुम्हें सिंपली कैलकुलेट करना है जो हमने ऊपर फॉर्मूले देखे उस पर बेस्ड। देखो ये क्या है, ये बैटरी है, इस तरह की होती है, सबको पता है, ये तीन रजिस्टर लगे हैं, 5 ohm 5 ohm 10 ohm। अब इसको बताना है कि फाइनल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, तो सबसे पहले डिसाइड करो रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में। देखो एक ही वायर पे सब कुछ लगा हुआ है, देखो कोई अलग से वायर नहीं ज्वाइन की गई है, तो ये क्या है, रजिस्टर सीरीज में। और सीरीज में क्या करना होता है यार, सिंपल ऐड करना होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, या जितने भी आएंगे सब ऐड कर दो, तो 5 5 10 10 20, इसका कितना आ गया फाइनल 20 ohm। फिर अगर कुछ सर्कल में दिया है, ये सर्कल कर दिया, अगर 12 ohm इधर है 13 ohm इधर है, तो यहाँ भी देखो एक वायर ऐसे गई है, फिर एक ही वायर आई है और एक ही वायर इधर कनेक्ट है बैटरी में, कोई अलग से इस तरह से वायर नहीं लगाई गई है, तो ये भी सीरीज में 12 और 13 ऐड करोगे 25 ohm। अब यहाँ देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें देखो ये सेल लगी हुई है, ये वायर गया गया गया, ये दो तो इसमें आ गए हैं रजिस्टर 1 2, दो ओम दो ओम के आ गए दो, बट ऊपर भी ऐसे इस तरह से लगाया गया है और नीचे अलग से वायर ऐड करके लगाई गई है, तो ये क्या है, पैरेलल, समझ गए। और इसकी क्या वैल्यू है, 6 ohm, इसकी 3 ohm, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो जो सीरीज में है, ये देखो इसमें आइडेंटिफाई करो, ये तो सीरीज में ना, ये वाली वायर एक जा रही है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का जो एक रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 2 + 2, जो सीरीज में उसको ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 4 ohm। अब इस पूरे रजिस्टर को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ड्रॉ कर दो, देखो सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, एक ऊपर था, जो नीचे दो था उसको हमने एक में ऐड कर दिया क्योंकि सीरीज में है, और नीचे एक, ठीक है, ये हो गया, ऊपर क्या था 6 ohm, ठीक है, ये नीचे वाला 3 ओम था, और इन दोनों को 2 + 2 ऐड किया सिंपल रेजिस्टेंस, तो बना है 4 ओम। अब इन तीनों की वैल्यू निकाल लो इजिली, किस फॉर्मूले पे, अपने वही 1/RP यानी पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, रखो 1/R इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/3। अब यार इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो वही एलसीएम वाला मेथड, इसका एलसीएम क्या होगा, सिंपल 6 तो 1 प्लस क्या होगा इसका बताओ, मैथ्स करोगे तो आ जाएगा ये 2 प्लस ये आ जाएगा 3 प्लस ये आ जाएगा 4, तो 1/R इक्वल्स कितना आ रहा है, इन तीनों को ऐड करो 2 3 4 2 3 5 4 9 9 by 12। अब इसको ये 1/R है तो इसको अपोजिट भी तो करना है रेसिप्रोकल, तो R इक्वल्स कितना बनेगा, या तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह लो, R इधर भेज दो 12 इधर, तो ये आ जाएगा कितना 12/9 यानी 4/3। ये है फाइनल रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन का जो हमने ये यहाँ पर देखा। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, ये देखो अपनी स्क्रीन पे, एंड देन इधर आओ, इधर इधर इधर, ये देखो यानी इलेक्ट्रिकल लैंप ऑफ 100 ओम टोटल ऑफ रेजिस्टेंस इतना, टोस्टर रेजिस्टेंस इतना, फिर वाटर फिलर अलग अलग रेजिस्टेंस दे दिया, इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है 220 वोल्टेज सोर्स से, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स सो मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व जरूर करना। फिर थर्ड वाला देख लो, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या फायदा है, हमने ऊपर देखा था। फिर ये एक बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, देखो हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम, कि कैसे कनेक्ट किया जाए इन तीनों को, 2 ओम का एक है, 3 ओम का एक है, 6 ओम का है, कि टोटल आए 4 ओम एक बार और एक बार टोटल आए 1 ओम। तो आओ इधर आओ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक बार ए ऑप्शन ये है कि एक बार आए 4 ओम और दूसरा बी ऑप्शन ये है कि एक बार आए 1 ओम। तो याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में कुछ सीरीज में करने होंगे और कुछ पैरेलल में करने होंगे, यानी कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, और ये सिंपल फॉर्मूला तुम्हारे सामने है कॉम्बिनेशन का, कि जब दो रेजिस्टेंस हो तो इस तरह से कर सकते हो, अरे आर एस में यानी सीरीज में तो बस ऐड करोगे और आर पी का इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। अब आओ चलो देखते हैं ऐड करके कि किसका कैसे क्या ऐड करना है, कि यार सीरीज पैरेलल में भी करें तो आए फाइनल वैल्यू ये और ये। तो याद रखना कि जब भी हमें कम चाहिए होता है तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी जब फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम चाहिए होती है तो पैरेलल में करते हैं,
और सीरीज में क्या होती है, ये वैल्यू कम नहीं आती है, ज़्यादा ही आती है, क्योंकि सिंपल एडिशन करना होता है। आओ यहाँ पर पहला केस लेते हैं कि कैसे 4 ओम आएगा। तो अपने पास कितने हैं, पहला केस लेते हैं कैसे 4 ओम आएगा, अपने पास है 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। तो ये 3 और 6 वाले को एक बार पैरेलल वाले फॉर्मूले पर रख करके देखते हैं। क्या फॉर्मूला है, R1 into R2 नीचे R1 plus R2। ये फॉर्मूला है सिंपल सा, दो अगर रजिस्टर तो R1 R2 plus R1 plus R2, इस पर रखो फॉर्मूले पे। इन दोनों की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ इन दोनों को कर रहे हैं पैरेलल में करें, ठीक है, इसमें पैरेलल में। तो 3 into 6 क्या हो जाएगा, 18, और 3 plus 6 9, क्या आ गया 2, क्या आ गया RP 2, बिल्कुल 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 क्लियर 2 आ गया इसका इन दोनों को पैरेलल करने से। और 2 और 2 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 4 ओम जो हमें चाहिए था पहला। अब बी है कि 2, 3 और 6 को कैसे 1 ओम में लाना है। तो देखो इन दोनों को कनेक्ट किया पैरेलल में तो एक का आ गया 2, अब इस 2 और इस 2 को पैरेलल में कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1 ओम। इस तरह के क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बट इससे टफ लेवल पे नहीं आएगा, ऐसे ही 3 दे देगा और पूछ लेगा। और कुछ इससे ईजी आ सकता है काफी, जैसे ये देखो कि हाईएस्ट और लोएस्ट बताओ जब इन सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। याद रखना मैंने ऊपर ही बता दिया, हाईएस्ट कब आता है जब सीरीज में करो ऐड कर दो, और लोवेस्ट कब आएगा जब इन सबको पैरेलल में कर दो। तो सबका पैरेलल में आंसर निकाल लेना आर इक्विवेलेंट, और आ जाएगा तुम्हारा पैरेलल में सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस। नाउ अब अपने सामने देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम उसको समझते हैं। हमने बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा देख लिए हैं कि फिगर 12.2, ये जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है इसमें क्या क्या कनेक्ट है, ये सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, कैलकुलेट क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। चलो देखते हैं, जब बेसिक्स तुमने क्लियर कर लिए ना तो अब ये ईजी होगा। देखो यहाँ पे क्या लगा, ऐसे 2 लगा हुआ है और ऐसे नीचे 3 लगा हुआ है, हमें निकालना है 5 टोटल लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, हमें निकालना है टोटल रजिस्टेंस एंड टोटल करंट, ठीक है। और ये क्या कनेक्ट है, एमीटर, हम सबको पता है एमीटर कैसा होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। आओ देखो इधर 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 सबकी वैल्यू देख लो क्या है, 10, 10, 40, 30, 20, 60, लिख लो इजी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 10, अरे यार वैल्यू लिख लो, 10, 40, 30, 20, 60। तो इसका ये दोनों पैरेलल में साफ साफ दिख रहा है, अलग से वायर ऐसे ऊपर नीचे, तो इसका क्या आएगा, वही फॉर्मूला अपना R1 plus R2। कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला आएगा, 10 into 40 400, और 40 plus 10 करेंगे तो 50, इसका फाइनल आ गया 8। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8, ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया इसको। अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं, ये तीन क्या है, ये तीन भी अपने पैरेलल में है, तो इन तीन को सॉल्व करते हैं, 30 20, 1/R = 1/30 plus 1/20 plus 1/60। इन तीनों को सॉल्व करो, इसको देखो इस तरह से भी कर सकते हो इतना लंबा मेथड करके, और इसका अगर मैं एक तुम्हें बहुत इजी मेथड बताऊं तो वो ये होगा। देखो ये तीन है, पहले इन दोनों का निकाल लो, पहले इन दोनों का, फिर इससे निकाल लेना, पहले इन दोनों का निकालो 30 और 20 वाले का, उस फॉर्मूले से आरपी वाले फॉर्मूले से, R1 R2 और R1 plus R2 करके, तो 30 20 क्या हो जाएगा, 600/50, तो ये क्या आएगा 12। अब 12 आ गया इन दोनों की वैल्यू 12 आ गई, यानी इसको सिंपल अगर सर्किट बनाए तो हमने ऊपर सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 12 आ गई और बचा नीचे 60 वाला। अब इसका निकाल लो, 720 प्लस 72, ठीक है, 720 अपॉन 72। अब इसकी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 10, यानी ये तीन की फाइनल वैल्यू आ रही है 10 और इसकी 8, और 10 प्लस 8 कर देंगे तो 18, ठीक है, ये देखो आ गया 18 ओम फाइनल वैल्यू। अब करंट निकालना है तो बैटरी कितनी वोल्ट की लगी है ये इंपॉर्टेंट है जानना, बैटरी है 12 वोल्ट की, और करंट निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी है, I = V/R, तो वोल्टेज पे यानी 12/10, 1 क्या रखना है, 12/18, ये जो 18 आया अपना इसको नीचे रख दो, बस सिंपल आ गया 0.67 एम्पियर। आई होप तुम समझ गए होगे मैं इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या समझाना चाह रहा था, कि कैसे कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस वाले चीज़ें करनी होती हैं। हमने पहले पैरेलल में किया, फिर सीरीज में हो गए तो ऐड कर दिया 10 और 8 को, 18 बन गया। और करने का तरीका ये वाला इजी था, कि अगर 3 है इसको इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो कि पहले 2 का निकाला, फिर जो एक वैल्यू आई उसका, और जो बचा रह गया था उसका निकाला। चलो चलो आगे बढ़ते हैं।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये एक और बढ़िया टॉपिक है। पढ़ो यहाँ पे, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, यानी जो सर्किट है हमारा वो बहुत रेजिस्टिव है, बहुत रेजिस्ट कर रहा है, करंट नहीं पास करने दे रहा है, तो दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू बैटरी। कि तब ऐसा इस केस में तब होता है कि जब सारे के सारे रजिस्टर्स ही लगा दो बैटरी में और सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। अच्छा समझ गया, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो अरे यार ये कह रहा है कि एक हमने लिया ये वन, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, चार रजिस्टर, ढेर सारे रजिस्टर लगा दिए, ठीक। और ये जो सोर्स क्या होता है एनर्जी का, पोटेंशियल डिफरेंस बनाने का सोर्स, हर एक चीज का सोर्स क्या है, ये बैटरी। तो इसकी जो एनर्जी निकल रही है, यहाँ पहले वेस्ट हो रही है, रजिस्टर में करंट नहीं पास हो रहा, फिर यहाँ वेस्ट, फिर यहाँ वेस्ट, फिर यहाँ, तो सारी एनर्जी किसमें वेस्ट हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये इस चीज को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये इफेक्ट तुम्हें लग रहा होगा कि एनर्जी वेस्ट हो रही है, बट ये वेस्टेज नहीं है, इसी इफेक्ट को यूटिलाइज किया जाता है कई सारे डिवाइस में, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन। इसका फॉर्मूला आओ चलो सबसे पहले देखते हैं। देखो सबसे पहले ये अपने सामने देख रहे हो, ये है फॉर्मूला वही हीट निकालने का। अरे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि चलो ये था अपना डिवाइस में क्या, इतना करंट जा रहा है, मान लो करंट दे दिया कि कितना करंट जा रहा है, अरे ये लिखा हुआ है मैंने नीचे, चलो ये देखो, ये देखो, अगर दे दिया आई कि करंट इतना जा रहा है, इतने टाइम के लिए करंट पास हो रहा है और इतना रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस वायर में, तो बताओ कितनी हीट जनरेट होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या फॉर्मूला, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी करंट का स्क्वायर कर दो इंटू आर इंटू टी टाइम। टाइम हमेशा किस में लेंगे, यस घड़ी में नहीं, सेकंड्स में लेंगे। चलो आओ 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 आओ, आओ इधर जल्दी 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 जल्दी। चलो इसी को बोल रहे हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसमें क्या क्या रूल है जो हमने ऊपर पढ़ाया ही इसी में, कि दिस इज कोई भी रूल फिजिक्स में फॉर्मूले से समझ सकते हो, मैंने बार बार बोला है, कोई भी थ्योरी, कोई भी लॉ, कुछ भी, आई स्क्वायर एच के इक्वल्स में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ इक्वल में लिखा है, तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर द गिवन करंट, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये देखो टाइम भी है फॉर्मूले में, जो फॉर्मूले में है वही लॉ है, लॉ का नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। तो और बड़े सिंपल से फॉर्मूले देख लो, हीट का तो हमने समझ लिया था ना, आई स्क्वायर आर टी, ये उसी का सिंपल पहला वाला फॉर्म है, वी आई टी, फिर वी की वैल्यू जो रखोगे आई आर, तो आई आर इंटू आई टी क्या बन जाता है, आई स्क्वायर आर टी। बट ये देख लो पावर का फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर कितनी दी गई है सर्किट को वो कैसे निकालते हैं, वोल्टेज इंटू करेंट। और इस पर बेस्ट सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये देखो, ठीक, इलेक्ट्रिक आयरन है जो एनर्जी कंज्यूम करता है 840 वोल्ट पे जब हीटिंग बहुत ज़्यादा हो मैक्सिमम रेट पे, और 360 वोल्ट पे जब हीटिंग कम हो मिनिमम रेट पे, तो वोल्टेज इतना है, बताओ कि करंट और रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट और रेजिस्टेंस क्या होगा। अब बताओ 840 W ये क्या होता है, ये पता क्या होता है, ये होती है पावर जो हमने ऊपर पढ़ा, और W का मतलब क्या है, वॉट, इसका SI यूनिट है क्या, वॉट, कितने वॉट की एनर्जी, कितने वॉट का पावर, ठीक है, कितने वॉट की एनर्जी। आओ देखो 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 यहाँ पर, दस द करंट आई इक्वल्स पी बाई वी, हमने यही पढ़ा था ना ऊपर, पी इंटू पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो यही आई इज इक्वल टू पी बाई वी बन जाएगा, यानी पावर डिवाइड बाई वोल्टेज, ये कर देंगे, तो पावर था 840 वोल्ट डिवाइड बाई वोल्टेज क्या, तो ये आ गया करंट, ये आ गया करंट अपना, और करंट जब मिल गया तो आर इक्वल वी बाई आई पे रख के हम निकाल लेंगे रेजिस्टेंस, ये निकल गया जब मैक्सिमम रेट था, और दूसरा केस था मिनिमम रेट का, तो ये आ गया। चलो अब एक और क्वेश्चन देखो, 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखो फॉर्मूला लिखो अपना, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है, क्या क्या, 100 जूल ऑफ हीट है, और क्या है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, टाइम क्या दिया हुआ है, ईच सेकंड, ठीक है, टाइम यानी कि 1 सेकंड देखो रखा गया यहाँ पे। चलो फॉर्मूला सिंपल सा है, इस पर निकाल सकते हो रख करके सब कुछ, तो 100 एच को रखा, 100 जो दिया हुआ है, आई स्क्वायर यही निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पहले आई भी निकालना पड़ेगा उसके लिए, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, और क्या दिया, आर दिया हुआ है हमारा 4, और ये दिया हुआ है 1, 4 और 1 यहाँ पे रख दो, 100 इक्वल्स आई स्क्वायर इंटू 4 जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और टाइम 1 सेकंड, ठीक है, तो आई स्क्वायर इधर ये इससे इधर जाएगा डिवाइड करेगा तो 25, ठीक है, और इसका अंडर रूट हो जाएगा तो ये आएगा 5, यानी करंट कितना है, करंट कितना आ रहा है, 5 एम्पियर, ये देखो करंट कितना आ रहा है, 5 एम्पियर। अब वोल्टेज निकालना है तो वी इक्वल्स आई आर, देख लो कैसे किस तरह से दो फॉर्मूले को कंबाइन करके सारे को न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, पहले जो चीज़ दी लिख लो फॉर्मूला, जो चीज़ नहीं दी हुई है वो निकाल लो, फिर रख लो अपने प्रीवियसली नोन फॉर्मूले पे, आई आर पे आ गया 20 वोल्ट, और निकाल आएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, ये है इंपॉर्टेंट कि व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल हीटिंग एलिमेंट ग्लो,
जो हीटर होता है ना ठंडी में यूज भी किया अभी तुमने दबा करके, तो वहां पे हीटर का कॉर्ड ग्लो करता है बट जो एलिमेंट है वो ग्लो करता है, वो ग्लो नहीं करता है। कैसे, क्यों बताओ? क्योंकि जो हीटर होता है, ये जो कॉर्ड होता है ना कॉर्ड, ये मेटल का बना होता है, रेजिस्टेंस कम होता है इसका, और जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो एलॉय का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो यहाँ से करंट इजीली पास हो पाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस कम होता है, करंट कम पास होता है, तो हीट ज़्यादा बनेगी। हमने देखा था हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और इसलिए ग्लो करता है। ठीक है, अब कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग इतना कूलम ऑफ चार्ज इन वन आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इतना। अब इसको कैसे करोगे बताओ? सिंपल याद रखना कि वन आवर लिखा हुआ है ना, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट पहले कर लेना 60-60, फिर ये यहाँ कूलम दिया हुआ है क्यू, क्यू इज इक्वल टू आई टी, हमने पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू आई टी, टी दिया है क्यू दिया है, आई निकाल लो सिंपल, और फिर अपना हीट इजिली कैलकुलेट कर लो। अब आ जाओ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? लॉन्ड्री आयरन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक ओवन में, केटल में, इलेक्ट्रिक हीटर में, कई सारे एग्जाम्पल हैं अपने पास। ठीक है, होता क्या है इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन पढ़ लो। क्या है कि द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज द प्रोड्यूस लाइट, लाइट के प्रोड्यूस करते हैं बल्ब में, फिलामेंट होता है जो बहुत गर्म हो जाता है और लाइट बनाता है। अब होता क्या है कि ये ऐसा टेम्परेचर पर होना चाहिए कि इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है तो फिलामेंट मेल्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, कितना हो, इस लेवल का मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। तो बस सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आएगा, बल्ब के फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। फिर इसी तरह से अब आएगा फ्यूज़ का क्वेश्चन, तो फ्यूज़ समझ लो पहले होता क्या है। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, इतना एम्पियर करंट ये बल्ब बर्दाश्त कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, और ये फ्यूज़ लगा होता है पहले ही, कि अगर मान लो कि इससे ज़्यादा करंट आया, मान लो इतना बर्दाश्त कर सकता है ये बल्ब, बट 5 एम्पियर का करंट अचानक से आ गया तो क्या होगा, बल्ब फूट जाएगा ना, शॉर्ट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो वो ना हो इसलिए यहाँ एक डिवाइस लगा है फ्यूज, ये खुद 5 एम्पियर का है, कि अगर 5 एम्पियर से ऊपर करंट जाएगा तो ये बेचारा खुद बोल जाएगा, सुसाइड बॉम्बर है समझ लो, खुद बोल जाएगा और सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो बल्ब को हमारे, डिवाइस को हमारे नुकसान नहीं होगा, और फ्यूज को नुकसान हो रहा है। तो बहुत छोटी सी सस्ती सी चीज होती है, इसको नुकसान हो कोई बात नहीं। फ्यूज इज प्लेस्ड इन, याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्यूज कहाँ लगाते हैं, सीरीज में। ठीक है, कौन से डिवाइस का होता है, एलॉय का बना होता है। ठीक है, कभी एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। इफ करंट लार्जर देन स्पेसिफिक वैल्यू फ्लो थ्रू सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर इंक्रीजेस, दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर, फ्यूज वायर मेल्ट जाती है और सर्किट टूट जाता है, इससे हमारा डिवाइस बचा रहता है। इलेक्ट्रिकल पावर, वही जो ऊपर पढ़ा, पावर क्या होता है, एनर्जी इंटू टाइम, एनर्जी हमने पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी, क्या होता है एनर्जी इक्वल्स टू, सॉरी एनर्जी अगर निकालना है आपको, ये मैंने उल्टा लिख दिया यार, एनर्जी इंटू टाइम नहीं होता है, एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ी है, तो पावर क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। अरे कंफ्यूज मत हो, एनर्जी के हमने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े ना, आई स्क्वायर आर टी, ये वो, तो सबको डिवाइड बाय टी कर दो, टी हटा दो तो फॉर्मूले आ जाएंगे सारे ये पावर के। देखो यहीं पे नीचे ये सारे फॉर्मूले हैं ना, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये दोनों किसके फॉर्मूले हो गए, पावर के। और 1 वोल्ट इक्वल 1 वोल्ट की अगर डेफिनेशन आ गई, सॉरी 1 वाट की, तो क्या लिखोगे, ये डेफिनेशन कि इट द पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो उसको बोलते हैं 1 वाट इलेक्ट्रिकल पावर, और इसके साई यूनिट क्या है, वाट, मैंने ऊपर बताया, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और चलो इधर आ जाओ, किलो वाट एक और यूनिट है इसका। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है किलो वाट आर का, किलो वाट एक यूनिट होती है और एक अलग यूनिट होती है कमर्शियल यूनिट किलो वाट आर। एक किलो वाट आर में कितनी एनर्जी होती है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो 3 × 3.6 × 10⁶ जूल्स। नाउ आ जाओ नीचे, देखो जैसे ये एक क्वेश्चन है कि एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज है 400 वोल्ट का है, इतने ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, 8 घंटे डेली चलता है, कितने कपड़े धुल रहे हैं लोग। अब एनर्जी निकालो, कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालो, अगर 30 देश तक चलता है और ₹3 चार्ज है पर किलोवाट आवर का, तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लो। एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा ही था, हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला, देखो इतना पता है जब पावर, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने ऊपर क्या देखा, पावर इंटू टाइम, पावर आपको पता है, टाइम कैसे निकालोगे बताओ, टाइम कैसे निकालोगे, 8 आवर, नहीं 8 आवर हम निकाल सकते हैं बट यहाँ पे टोटल लिखा है 30 डेज, तो टोटल टाइम क्या होगा, 8 × 30। ठीक है, 8 × 30, देखो यहाँ पे किया गया सिंपल, 400 × 8 आवर पर डे × 30 डेज। अब तुम बोलोगे भैया आपने तो बोला था टाइम हमेशा सेकंड में लेना है, तो यहाँ पर हमें किस यूनिट में निकालना है, किलो वॉट आवर में आ रहा है ना सब कुछ, तो किलो वॉट आवर जब यूनिट है तो आवर में रख सकते हैं, ये आ गया 96 किलो वॉट आवर। और इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पर किलो वॉट आवर ₹3 कॉस्ट ही, तो ये निकल गया इतना ₹ का कॉस्ट। समझ गए,
ये भी एक सिंपल उस तरह का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। और खत्म होता है ये बड़ा सा चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसी तरह से सारे चैप्टर्स हमने करवा रखे हैं, जाकर के देखो, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कई चीजें मिल जाएंगी अपने फ्री ऐप पढ़ ले अच्छे पे। तो करना क्या, नोटिफिकेशन छेड़ दे, यू डोंट मिस नाउ एंड देन जाना, जा पढ़ ले।